जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ए कोई टच नहीं करना मेरे को, पता चल रहा कोई आके चुम्मा दे के जा रहा इधर मोटरसाइकिल में मेरा। अपने सर खड़े इधर। अंजलि मैडम अभी जा रही है, बताओ ये कोई टाइमिंग है? तो ये आपको मेरे को बोलना चाहिए था, मैं आपका डायलॉग बोल रहा हूँ। अभी मैडम को कैसे बोला ये कोई टाइमिंग है, यहाँ घड़ी वड़ी तो पहना नहीं हूँ। फिर क्या बोलोगे, एकदम अक्कल से पैदल आदमी हूँ ना मैं, इसीलिए ऐसी सब बातें करता हूँ। हेलो एंड वेलकम एक और सुहानी सुबह दुर्ग में। तो अभी बज रहे सुबह के 9:30 और मैं जा रहा हूँ जल्दी से रेडी होके फ्रेश व्रेश होके निकलता हूँ ब्रांच के लिए। और कल क्या ट्रेजेडी हुआ, कल मैं वीडियो अच्छा सा बहुत बनाया था अपने इस कैमरे से, लेकिन ये कैमरे का मेमोरी कार्ड को मैं बोला कि लेके चलता हूँ रायपुर, मेरे को ट्रेन में अगर एडिट करने का मौका मिलेगा तो ट्रेन में एडिट करूँगा, नहीं तो फिर रायपुर में वहाँ एडिट करूँगा। अब मेरे पास में वो मेमोरी कार्ड उस मोबाइल का जो कवर रहता है उसके पीछे रखा था, कल ट्रेन तक बहुत सही वो मेमोरी कार्ड था, लेकिन मेरे को लग रहा रायपुर में गिर गया, कहीं ना कहीं मैं मोबाइल निकालूंगा और वो गिर गया होगा, तो गड़बड़ ये हो चुका है। और जो सुबह वीडियो बनाया था वो पूरा पूरा उस मेमोरी कार्ड में चले गया है, तो देखते हैं क्या होगा, किसको मिलेगा या फिर नहीं भी मिलेगा कोई इशू नहीं है, जला दिया जाएगा उसको जो भी जिसको भी मिलेगा तो। और अभी ऐसी बात है कि दूसरा मेमोरी कार्ड इसमें लगाया हूँ कैमरे में, इससे अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जल्दी से चलता हूँ अभी फ्रेश व्रेश होऊंगा, उसके बाद फिर नहा धोवा के मिलता हूँ आप लोग से डायरेक्ट नाश्ता करते हुए। चलो ये बिस्तर झाड़ते रह जाएगा, मैं जा रहा हूँ। और ये मेरे सुबह का नाश्ता आ चुका है, ये देखो बैगन, बैगन की सब्जी है। और एक महीने बाद बना है ऐसा मम्मी बोल रही है, पता नहीं मैं तो लग रहा कल ही खाया हूँ इसको। नहीं, एक महीने बाद बना है। ठीक है कल ही खाया, मतलब शुरू करता हूँ खाना, मिलता हूँ आप लोग से डायरेक्ट बाइक पे। हियर वी गो, आ चुके हैं हम लोग बाइक पे। अरे काका आप तो एकदम मतलब चिल करते हुए जा रहे हो, रोड को इधर उधर देख के क्रॉस करना चाहिए, बचपन में हम लोग किताबों में तो यही पढ़ते थे रोड सेफ्टी के बारे में, लेकिन ये अंकल लगता पढ़े नहीं है, तब इनका बचपना नहीं था ना, तब वो अपने जैसे जवान थे, फ्री की एकदम टाइप घूमते थे। चाची तुम भी नहीं पढ़ी क्या? थामा थामा थामा, रास्ता बहुत खराब है। नया एवेंजर, वाओ गड्ढा था बीच में, मेरे को मालूम था, फिर भी जानबूझ के मैं लेके गया। इसका सस्पेंशन क्या बहुत अच्छा अभी हो चुका है ना, इसीलिए जितना गड्ढा है उतना गड्ढे में गाड़ी को एकदम कुदाओ। डैडी ये वीडियो देखेंगे बोलेंगे अच्छा कब किया तू सस्पेंशन को ठीक, यही सब चीज़ों में तू पैसे खर्चा करना चाह रहा है, पैसे बचाना चाहिए तो पैसे उल्टे सीधे चीज़ों में खर्च कर रहा है, काम करके वो भी उल्टे सीधे काम करके तू पैसे खर्च कर रहा है। जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ए कोई टच नहीं करना मेरे को, पता चल रहा कोई आके चुम्मा दे के जा रहा इधर मोटरसाइकिल में मेरा। सामने एक पल्सर जा रही है, इसको देख के मतलब ये गाड़ी एकदम धुली एकदम साफ सुथरी दिख रही है, मैं अपनी गाड़ी को धोया नहीं हूँ अभी तक, मतलब बारिश का सीज़न चल रहा है ना, अब गाड़ी धोऊंगा, इतना मेहनत करूंगा, मेरे 3 घंटे जाते हैं मेरी बाइक धोने में, ये इसको धोने में, इसके पार्ट्स ऐसे ऐसे हैं ना, कहाँ कहाँ घुस घुस के इसको साफ करना पड़ता है, हालत ख़राब हो जाता है। ठीक बोल रहा हूँ ना चाची, क्यों चाचा? इक्विपमेंट मंगाऊंगा धोने वाला, इसको पॉलिश करने वाला, वो एक्चुअल में धोने वाला नहीं है, पॉलिश करने वाला है, शाइन करेगी फिर मेरी गाड़ी, चमचमाती हुई जूते जैसे रहते हैं ना वैसी। अपने सर खड़े इधर,
इन्होंने मेरे को एक चीज़ बताया था, जैसे मैं तो ट्रैफिक कार्ड तो बनाया हूँ, उसमें गाड़ी के पूरे पेपर्स रहते ही है, और बाकी मोबाइल में काफ़ी लोगों ने बताया था कि डीजी पे को डाउनलोड करो, डीजी लॉकर को डाउनलोड करो, तो उससे क्या रहेगा आपका बहुत सारी चीज़ें सेफ़ रहती है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस आइसेंस या ऐसे ले कर घूमना नहीं पड़ता, मोबाइल में ही सब कुछ रहता है करके। तो एक जगह पे मैं गया था, यहाँ से लगभग रायपुर से थोड़ा आगे था जगह, वहाँ पे ना मैं अपना गाड़ी का पेपर ही लेके नहीं आया था, एक्चुअल मैं आरसी और ये सब मंगा रहे थे, तो मेरे को लगा इस गाड़ी का आरसी वारसी सब है करके, मेरे पास ये गाड़ी थी कि दूसरी गाड़ी थी, हाँ यही गाड़ी थी, तो मैं वहाँ पे देखा पूरा इधर उधर ढूंढा, मेरे को आरसी मिला ही नहीं। उसके बाद फिर घर में फ़ोन लगाया, मम्मी को बोला पेपर दे करके, तो मम्मी पेपर ही भेजी, तो उन सबसे पहले मैंने वो डिजी लॉकर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने सेव करके रखे थे ना, वो सब मैं उसको दिखाया, मैं बताया ये चीज़ें है करके, तो बोलता नहीं नहीं ये सब एलिजिबल नहीं है करके। मैं बोला अरे भाई तुम क्या समझ के रखे हो, इसको गवर्नमेंट के तरफ से लीगली बताया गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐसे लेके मत घूमो, कभी गुम हो सकता है। तो भी वो आदमी मेरी बात को सुना नहीं, उसके बाद फिर मेरे को ज़बरदस्ती घर से पूरे पेपर्स मंगाने पड़े गाड़ी के, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी फ़ोटो खींच के मम्मी भेजी थी, उसके बाद फिर उसको दिखाया, तो मेरे को वहाँ से उस प्लांट के अंदर एंट्री मिला। अंजलि मैडम अभी जा रही है, बताओ। ये कोई टाइमिंग है? तो ये आपको मेरे को बोलना चाहिए था, मैं आपका डायलॉग बोल रहा हूँ। अच्छा कब देख लिए मेरे को? अभी ट्रैफिक, अरे मैं मैडम को कैसे बोला, ये कोई टाइमिंग है, यहाँ घड़ी वड़ी तो पहना नहीं हूँ। फिर क्या बोलोगे, एकदम अक्कल से पैदल आदमी हूँ ना मैं, इसीलिए ऐसी सब बातें करता हूँ। चलो मिलता है आप लोग से अंधेरे में थोड़ा। तुम्हारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, चले क्या? लेट्स गो। आई ये कांच को ऊपर कौन कर दिया, मैं दिख रहा हूँ ना बस, और ये साइड का पीछे का दिखना चाहिए। लेट्स गो। अरे पता है मेरा जो मेमोरी कार्ड है ना, वो मेरे को मिल गया। कहाँ मिला? मामा के घर में ही मिला। मम्मी फ़ोन लगाई थी मामा को कि मेरा मेमोरी कार्ड वहाँ पे छूटा हुआ है करके, वहाँ बोले हाँ हाँ यहाँ छूटा हुआ, हम लोग इसको कंप्यूटर में लगा के देख रहे थे सबका वीडियो। घर पहुंच चुका हूं और बस आप लोगों को मैं बस पॉइंट ऑफ व्यू ही बस दिखा पा रहा हूं। लाइट चालू हो जा। ये देखो बैग रख रहा हूं, अभी अलमारी को भी बनाना है यहां पे। ये अलमारी देखो यहां पे इतना पूरा खाली खाली है, इसमें फॉल सीलिंग ऑल सीलिंग भी करवाना है घर में पूरा। जिस घर में मैं गया था उस घर को देख के पूरा मेरा मूड ख़राब हो गया। ये सब ये देखो यहां पे ये दीवार तो रहेगा लेकिन ये थोड़ा फूला हुआ रहेगा, इसमें और फॉल सीलिंग मतलब पुट्टी वाला अच्छा रहेगा। बाकी ये कपड़े सूखे हैं, आज इतने दिनों बाद धूप हुआ था, तो बाकी ये अलमारी जब बनेगा तो वाइट कलर का सोच रहा हूँ, वाइट कलर का पूरा अलमारी बनेगा, ऐसी खंड रहेंगे इसमें, बस यहाँ पे दो दरवाज़ा रहेगा ऐसे यहाँ से ओपन करने का, ये पूरा अपना कैबिनेट रहेगा, ऊपर दो नीचे दो और साइड में इस तरफ में भी दो दो करके रहेगा, तो अच्छा दिखेगा वाइट कलर में रहेगा। तो मिरर भी इसमें लगा दिया जाएगा, मिरर से हम लोग चेहरा वहरा देखेंगे। तो मतलब चेंज कपड़े वपड़े करता हूँ, उसके बाद फिर फ्रेश व्रेश होता हूँ, ना खाना ना जाके खाना खाऊंगा, नीचे जाके खाना खाऊंगा। क्या बोल रहा हूँ, जुबान फिसल रही है मेरी, लगता है एलपेली भी नहीं खाया हूँ इसीलिए कैसी जीव लवलवाई ऐसे हो रहा है। तो चलता हूँ जल्दी से नीचे खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद फिर बैठ के वीडियो एडिट करूंगा। पढ़ाई लिखाई देखा जाए कब होगा, पेपर है 25 तारीख को, मैं पढ़ा वढ़ा कुछ भी नहीं हो, कॉपी खोल रहा हूँ, यूट्यूब खोल रहा हूँ, उसमें पहले तो रील्स देखो उसके बाद फिर पढ़ाई करो, ऐसा हो रहा है। तो
पता नहीं कब होगा पढ़ाई, देखते हैं। तो अभी चलता हूँ जल्दी से, नीचे खाना वाना खाऊंगा, अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, नीचे जाऊंगा खाना वाना खाऊंगा, उसके बाद फिर वीडियो एडिट करके सो जाऊंगा। आई होप मेरा आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल अपना सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।